दादी मैं आपका बिस्तर भी यहीं लगा देती हूँ। यहाँ नहीं छत पर लगा, ठंडी हवा में नींद अच्छी आएगी। ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ हो। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मैंने कहा कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ? इतनी बड़ी टेरेस है, सब एडजस्ट हो सकते हैं, हम साथ में सो सकते हैं। मतलब मैं एक तरफ और तुम एक तरफ सो जाना। पक्का ना? हाँ यार पक्का, इसमें सोचने की क्या बात है। आओ आओ यहाँ बिस्तर लगाओ ना, रख दो। यहाँ बिछाओ, हाँ बिछा दो। आधा है चंद्रमा, रात आधी और आधा। क्या हुआ? जाना, मैं भी सोने आ रहा हूँ। बहुत मारूंगा। ऊपर कुछ तो है, मैं देखने आ रहा हूँ। अबे जाना। I hate you। उस तरफ लगा दो ना, आराम से लगाओ, जल्दी क्या है, थोड़ा और इस तरफ ले सकती हो। अरे कोई बात नहीं, पूरे गांव को थोड़ा ना सुलाना है। वैसे तुम्हें खर्राटों से प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मुझे प्रॉब्लम? मुझे भैया के खर्राटों की इतनी आदत हो गई है कि कभी वो खर्राटे नहीं लेते तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। तुम्हारे ऊपर कोई अपना पैर रख दे तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना? यस, यस, यस। अब मैं क्या कहूँ, खर्राटों का शोर और मेरे पैर पर किसी का पैर ना हो तो गहरी नींद नहीं आती। ये सीढ़ियां भी ना जान लेकर छोड़ेंगी। अरे बेटा पल्लवी थोड़ा पानी पिला दे। कबाब में हड्डी कहाँ से आ गई? पानी के लिए ऊपर टेरेस तक क्यों आई दादी? मुझे आवाज दे देती मैं आ जाता। कितना अच्छा लड़का है, पर मुझे तो आना ही था। आपका पानी बिस्तर के पास रख दिया है और बिस्तर भी इनके पास ही लगाया है। इसका मतलब बिस्तर दादी के लिए था। मैं इसके पास सोऊंगी तो इसे परेशानी नहीं होगी। कोई परेशानी नहीं दादी, मैंने सब बता दिया। तो फिर ठीक है, बस 5 मिनट रुको, खर्राटे शुरू हो जाएंगे। शर्माना तो मुझे चाहिए, लेकिन शर्मा तो आप रहे हैं। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो क्या है कि पहली शादी, इसलिए। थैंक गॉड, मुझे तो शर्म वर्म नहीं आती। मेरे मन में जो आता है मैं तो बिंदास करती हूँ। तुमने मुझे बिना देखे हाँ कह दी, अगर मैं खूबसूरत ना होती तो? कार्तिक ने मुझे सब बता दिया था। ये बताया कि मार्केट में कितनी बदतमीजी की थी मेरे साथ? उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन एक बात कहूँगा, तुम्हारे बारे में सुनते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। वैसे सबके सामने शादी के लिए हाँ कहकर तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। तुम्हारे आगे तो मेरी हिम्मत कुछ भी नहीं है। शहर के सारे गुंडे तुम्हारा नाम सुनकर थर थर कांपते हैं। ये बातें हम बाद में करें। अरे रुको ना, बत्ती क्यों बुझा रहे हो? जब से तुम्हारी यहाँ पोस्टिंग हुई है इस शहर में गुंडागर्दी और क्राइम लगभग ना के बराबर हो गया, ये पता था? नहीं अभी अभी पता चला। हाँ? अब मुझे कुछ छानबीन करनी है, आ जाओ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, तहकीकात शुरू करो। हेलो, एसआई शिव प्रसाद स्पीकिंग। हाँ साहब, मैं वही हूँ जिसके आदमियों को आपने मारा था। हिम्मत है तो बग्गा के साथ में भी वही करो। शहर से उसके ट्रक निकल रहे हैं जिसमें स्मगलिंग का माल है। अपनी माँ का दूध पिया है तो रोक उन ट्रक को। सर, स्मगलिंग की टिप मिली ना सर, सुबह से पुलिस स्टेशन में यही कॉल आ रहे हैं। बग्गा का मैटर है ना सर, फोन की घंटी सुनते ही सबका घंटा बज रहा है, लेकिन आपने बिना डरे फोन को एकदम से उठा लिया। ये केस के लिए आप बिल्कुल सही आदमी हैं। एकदम सही, ये कोई किडनैपिंग या लापता कुत्ता ढूंढने का मैटर नहीं है, बग्गा का मैटर है। वो आदमी जिसने 100 रुपए के लिए गले काट दिए थे। खैर छोड़ो, कौन जा रहा है भाई? सब इंस्पेक्टर शिव प्रसाद राठौड़, बेस्ट ऑफ लक भाई। इस बार भी अकेले जाके झंडे और गुंडे दोनों गाड़। ये बीच सड़क में गाड़ी किसने खड़ी की है? जाके देख।
वो कोई नया सब इंस्पेक्टर है। जानता है उस माल की कीमत क्या है? जानता है? मुझे मेरा माल वापस चाहिए, वरना हम सबको भी पेपर बेचना पड़ेगा। पेपर, पेपर, पेपर। उसके परिवार में कौन कौन है? उसका एक छोटा भाई है। वो साले को अगर उठा लिया तो ये लाइन पर आ जाए। उठा लो साले को। कारखाने पे ले आ। दादी दा ओह माय गॉड, सिर्फ तुम ही हो जो मेरा ख्याल रखते हो। बाथरूम में दादी हैं। क्यों आए हो यहाँ? भाभी ने एक डिब्बा देने को कहा था। तो पूरे घर में क्यों घूम रहे थे? कुछ खास देखना चाहते थे? वो मैं फिर से वही देखना चाहता था। अच्छा, तो फिर से देखोगे? देखो मेरे पास मत आना, मैं किस कर लूंगा। करके दिखाओ। कर भी लिया। कोई इस तरह किस
करता है क्या? क्या करूं, जैसे आता था वैसे कर लिया। तुम्हें नहीं आता है तो मैं सिखा दूं। हाथ रखो ना भाई। हम उस एसआई के घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं, उसका भाई भी घर में ही है। जैसे वो बिल से बाहर आए उठा ले इस साले को। दो लोगों के बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है, पुलिस से पक्का पिटेगा। क्यों भैया, ये सुबह सुबह क्या पढ़ रहे हो आप? तेरी भाभी को पल्लवी की शादी की बहुत चिंता हो रही, दोनों कुंडलियां एक दूसरे से मेल खा रही हैं। मैं बस देख रहा हूँ दोनों ग्रहों का लोचा तो नहीं है ना। जब भाभी ने हाँ कह दी है तो आप डिटेक्टिव क्यों बन रहे हो? हाँ कह दो ना। अरे ये मंगल के चक्कर में कुंडलियों में अमंगल हो रहा है। हाँ? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा पाजी? हाँ कह दो, हमारी जोड़ी राम और सीता जैसी होगी। सीता और राम की तरह? वो दोनों 14 साल बनवास गए थे। इसको बताने का क्या फायदा है, हम दोनों ने फैसला कर लिया है, बस यही काफी है। लड़के की कुंडली भी बहुत बढ़िया है और 10 दिन बाद वो इंडिया आ रहा है। जो इंडिया में वो इंडिया कैसे आएगा? जो तू सोच रहा है ये वैसा नहीं कह रही है, लड़का अमेरिका से आ रहा है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ओहो जरा संभल के भैया। राम से डरने की क्या जरूरत, वो अयोध्या वाला राम नहीं है, अमेरिका वाला राम है, पता नहीं कैसा होगा। वो मेरे बचपन का दोस्त है, बहुत ही अच्छा लड़का है, प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। खैर ये सब मुझ पर छोड़ो ना। अरे जरा सुनो, सामान की लिस्ट देना। पहले सामान ला दो फिर आवारागर्दी करना, समझ गए ना? दिन भर फालतू बैठा रहता है, कम से कम कुछ तो करेगा। शादी करनी है तो अमेरिका वाला लड़का चाहिए, काम करना है तो कार्तिक। ए कार्तिक, तुझे मार्केट छोड़ देता हूँ, आजा। कोई जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा था तेरा भी घर बस जाए। एक बात बता, तू और पल्लवी भाग के शादी करोगे ना? वैसे तो तेरी शादी पर संकट के काले बादल छाए हुए हैं, तेरी भाभी को मनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा, आजा। भाई हम छोटे भाई का पीछा कर रहे हैं, पुलिस वाला भी साथ है। ए, जब तक वो साथ में उसे हाथ मत लगा, साला आतंकी है, अगर वो गाड़ी से उतरे तो उठा ले साले को। ठीक है चलता हूँ भैया। बाय।